आज शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन, भक्त माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं, आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जय माता दी के जयकारे के साथ लोग मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें भी काफ़ी कुछ बयां करती हैं। जब नवरात्रि का त्यौहार आता है तो हर कोई गरबा और डांडिया करते हुए आपको मिल जाएगा। तो मंदिरों में भक्त लंबी लंबी कतारों में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग गरबा और डांडिया करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन है, भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ये चंदौली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर, और ये महोबा की तस्वीर जहाँ पर लोग गरबा और डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंदिरों में भी लोग पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं, भक्त माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। हम आप पहुंचे हैं रंगेश्वर के महादेव मंदिर, जहां विख्यात काली मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। मंदिर की प्राचीनता के बारे में भजन संध्या का आरंभ चल रहा है और हम यहां कुछ श्रद्धालु से बात करेंगे। आज कालरात्रि का दिन है, यहां हमारे पास में कुछ श्रद्धालु हैं जो उनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल अग्रवाल। कन्हैयालाल जी, आप यहाँ काली मंदिर में आए हुए जी, प्राचीनता की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, क्या उनकी मान्यता है? 25 साल इस मंदिर की स्थापना को हो गई यहाँ पर, इस बार 25वीं जयंती मना रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। और बहुत यहाँ के चमत्कार हैं, जो लोग यहाँ आते हैं उनको पता है कि बस दीपक जलाने से ही यहाँ बहुत सारे मनोरथ आदमी के पूरे होते हैं। दीपक जलाने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। एक श्रद्धालु और है हमारे पास जी, क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार गुप्ता। गुप्ता जी आप यहाँ आए काली मंदिर? हाँ, मैं पिछले 5-6 साल से आता हूँ। और आप 9 दिन के, मतलब ये किस तरीके से, मतलब मैं 5 साल से आ रहा हूँ, रोज आता हूँ सुबह दर्शन करने काली माँ के, सुबह दीपक जला के जाता हूँ सब। और श्रद्धालु हमारे पास में बैठे हुए महिला श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल। अनिल जी आप ये नवदुर्गा चल रहे हैं और 9 दिन से आप यहाँ बैठे हैं, रंगेश्वर मंदिर पे यहाँ काली की पूजा सेवा कर रहे हैं, इसको कैसे आप 9 दिन तक, मतलब मैया जी कराती हैं अपने आप, अपने आप बुलाती हैं, अपने आप कराती हैं, शक्ति वही देती हैं। सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ पर, 2 बजे आते हैं, दोपहर को हवन होता है, सब कुछ होता है, कन्या पूजन होता है, बहुत आनंद आते हैं भजन में, बहुत आनंद आते हैं, विशेष ऐसे चमत्कार दिखाती है मैया। और श्रद्धालु हमारे पास में बैठे हुए हैं, पुजारी जी बैठे हुए हैं, मेहंती जी से हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूदेवनाथ पुजारी है। ये पुजारी जी, ये मंदिर की प्राचीनता की अगर हम बात करें, काली मंदिर है और सिद्ध पीठ है ये, मतलब 9 दिन किस तरीके से यहाँ पर, मतलब ये 9 दिन बहुत भक्त बहुत प्रकार से मनाते हैं, इसकी बहुत मैया की शक्ति है। हाँ माँ है ना, ये दिन पर दिन भक्तों को बुलाती बढ़ाती रहती है और माई बहुत शक्ति दे रही है। ये शक्ति पीठ है और ये प्राचीन मंदिर है रंगेश्वर महादेव। अगर कृष्ण काल की अगर बात करें तो उनसे कुछ इतिहास इनका जुड़ा हुआ है? हाँ, उनसे इतिहास जुड़ा हुआ है कि जैसे कि कृष्ण बलदेव जी ने मामा कंस को मारा है ना, तो दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। कृष्ण जी बोले मैंने मारा है, बलदेव जी बोले मैंने मारा है, उनका न्याय कौन करावे? तो शंकर भगवान भोलेनाथ धरती फाड़ करके प्रकट हुए, बोले रंग है दोनों भाइयों का रंग है, आप आपस में मत लड़िए। बोले क्यों? बोले कि मेरा रंग है। कृष्ण बोले, बलदेव जी बोले मेरा रंग नहीं भाई, दोनों भाइयों का रंग है। कृष्ण तुम छलिया हो, तुमने मारा छल से पीछे से कंध की चोटी पकड़ के, और बलदेव जी आप बलिया हैं, आपने मारा सामने से टांग पकड़ के, इस मारा दोनों भाइयों ने मिलकर के मारा है, इस मारा दोनों भाइयों का रंग है। हाँ, जब से इनका नाम रंगेश्वर महादेव, महिला श्रद्धालु भी हमारे पास में, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? शिल्पा। शिल्पा जी आप यहाँ काली मंदिर में नवदुर्गा की ये भजन संध्या में आप बैठी हुई हैं 9 दिन से, आप किस तरीके से इनको, मतलब नवदुर्गा को मनाती हैं? मैं यहाँ पर बैठ के भजन गाती हूँ और 9 दिन आती हूँ यहाँ पर, मैया को अपने आप ही बुलाती हैं, पता नहीं कैसे द्वारकाधीश से चल के आती हूँ मैया के पास। इनकी मान्यता की अगर बात करें तो आप कैसे, मतलब ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो है चमत्कार,
कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत है इसलिए आशीर्वाद से सही हो गई और आगे भी सारे काम यही कर रहे हैं हमारे। और एक बुजुर्ग महिला श्रद्धालु हमारे पास में जी, माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया गर्ग है और मैं यहाँ पर काफ़ी समय से आ रही हूँ। माया ने इतना अधिक चमत्कार दिखाया मेरे जीवन में जिस पर कि मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर जब पहले दूसरी बारी आई थी तभी माँ ने मुझे नाम लेके बुलाया जबकि मेरा नाम यहाँ पर किसी को नहीं जानकारी थी और उस दिन से ही इतना मैं प्रभावित हूँ कि मैं हमेशा आती हूँ। नवरात्रों में तो विशेष करके आना होता ही है, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती फिर भी माँ बुला लेती है और यहाँ पर आकर मुझे इतनी शक्ति देती है कि उनके गुणगान भी करती हूँ और बहुत आनंद आता है मुझे। एक और महिला श्रद्धालु हैं जी, क्या नाम है आपका? बरखा गर्ग। बरसा जी, आप ये 9 दिन को किस तरीके से मतलब मनाती हैं? 9 दिन तो हम माँ के उत्सव के रूप में मनाते हैं और आते हैं और इतनी शक्ति देती है माँ कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना मतलब उसके लिए क्या कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना महिला श्रद्धालु और ये सभी लोग बता रहे थे, माँ इतनी शक्ति देती हैं कि कुछ उनको पता ही नहीं है। जगह जगह पर लोग भजन संध्या कीर्तन और पंडालों में सुबह से ही कन्याओं का भोज कराते हैं। हम आप पहुंची हैं शक्तिपीठ पीतांबरा माँ बागनापुरी मंदिर पे। आप महिला श्रद्धालु हमारे पास में मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि नवदुर्गा की व्रत किस तरीके से रखते हैं जी। क्या नाम है आपका? हमारे मन में
बहुत मान्यता है हमारे को बगला मुखी माता की, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ पर। मैं यहाँ पे हर रोज दर्शन करने आती हूँ, पूरे नवरात्रे पूरे रहती हूँ मैं और पूरे नवरात्रे माता के दर्शन करती हूँ, मुझे बहुत मान्यता रखती है यहाँ पर। जोत जलाते हैं, अखंड जोत जलाते हैं हम, और बहुत अच्छे से मनाते हैं, खूब कन्या लांगू जमाते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। माता की जितनी कृपा हो सकती है हम अपने अपने भाव से बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं। एक हमारे पास बुजुर्ग माता जी भी खड़ी हुई है, सर जानने की कोशिश करेंगे माता जी। एक श्रद्धालु हमारे पास में और मौजूद है, इनसे हम जानेंगे नव दुर्गा के व्रतों को आज कैसे रखते हैं, छठवा दिन है नव दुर्गा का, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मनाते हैं? हम तो जी जो है पूरे 9 दिन मनाते हैं जी, और बगला मुखी के दर्शन भी करने डेली आते हैं। व्रत हम सुबह एक दिन पहले रखते हैं और एक दिन लास्ट रखते हैं, रोज तो नहीं रख पाते हैं, उसमें काफ़ी काम रहता है इस तरह। क्या मान्यता है मान्यता तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के कुलदेवी हैं, और जब से कृष्ण जी का जन्म हुआ तभी से इनकी यहाँ स्थापना है, और ये पूरा क्षेत्र जो अम्बाखार के नाम से इसी देवी के नाम से ही माना जाता है, बहुत पुरानी बात है। माँ बगला मुखी पीताम्बरा देवी है, 51 सीटों में से एक मतलब माँ देवी माँ है, और ये भगवान श्री कृष्ण की भी देवी है, और इनको सुप्रीम को भी माना जाता है। ये सब दुख और चिंताओं को दूर करती हैं। अपने कैमरामैन रवि भगेल के साथ हिंदी खबर अमित शर्मा बसरा। नवरात्रि का 7वां दिन है, देवी पंडालों में माँ कालरात्रि की आज पूजा हो रही है। मंदिरों में जो भीड़ है वो सुबह से ही आ रही है, आप देख भी सकते हैं कि लोगों को जो भीड़ है वो सुबह से ही मंदिर प्रांगण में आ रही है माँ के दर्शन के लिए। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं कि कब उनकी उनका नंबर आएगा और वो दर्शन करेंगे देवी पंडालों में। और जो मंदिर है वहाँ कन्या भोज का आयोजन भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कन्याएं हैं यहाँ काफ़ी संख्या में, लोग कन्या भोज का आयोजन कराते हैं, लोग यहाँ कन्याओं को बुलाते हैं और यहीं मंदिर प्रांगण में ही कन्या भोज कराते हैं, और यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं माँ के दर्शन करते हैं और माँ से मन्नत मांगते हैं। माँ भी किसी को निराश नहीं करती, माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। चंद्रशेखर नामदेव, हिंदी खबर, महोबा, बुंदेलखंड। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।